तो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2017 में हमारी सेल्स बढ़ी है। मनोज कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहाँ ध्यान रखो, ये है टारगेट रिपोर्ट, जनवरी से मार्च 2018 तक हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए, वरना गुप्ता जी ना, समझ गए तुम? अरे भागो 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 भागो, छुप जाओ छुप जाओ, भाग जाओ छुप जाओ। अरे पर क्या हुआ सर, भूकंप आने वाला है क्या है? मनोज रेशम तुम लोग क्यों छुप गए भाई? क्यों सर, हमारी जान जान नहीं है क्या? हम जूनियर है तो आप हमें भूकंप में मरने देंगे? सर मानो सर को बचाएंगे? अरे नहीं भाई, ये धरती हिलाओ भूकंप नहीं है, ये मानव हिलाओ भूकंप है, मतलब ये भूकंप से नुकसान सिर्फ मानव को होगा। इधर आओ तुम लोग। एक मिनट सर, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा मानव, उस दिन तुमने अपने घर से हमारी भतीजी को भगाया, इसलिए हमारे भैया की खोपड़ी में भूत है समाया। उन्हें गुस्से में देखकर मेरा दिल घबराया, क्योंकि वो बिगाड़ सकते हैं तुम्हारी काया। अब क्या करेंगे भैया? चुप कर मनोज। देखो मानव बेटा, मेरे भैया चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस दफ्तर से निकाल दूं, लेकिन मैं तुम्हें इस दफ्तर से बाहर नहीं निकालूंगा। देखो इसके लिए करना क्या होगा कि जब तक मेरे भैया यहाँ हैं, तुम्हें छुप के रहना होगा। हा? समझ रहे हो मेरी बात? उनके सामने तुम नहीं आओगे, तुम छुप के रहोगे। मेरी शक्लें क्या देख रहे हो? मानव को छुपाओ। भैया का फोन दोबारा आ रहा है। हेलो, हाँ भैया, आप गाड़ी चला रहे थे और फोन पे बात कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने आपको पकड़ लिया। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है भैया, पुलिस क्या है कि 3-4 डंडे मारेगी और उसके बाद आधे घंटे में आपको छोड़ देगी। हाँ, उसके बाद आप सीधे बस चले आइएगा ऑफिस। हाँ रखते, चलो अच्छा है, आधा घंटा मिल गया, अब वो आधे घंटे के बाद ही आएंगे। मानव बेटा, हम तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। संभाल के मानव, संभाल के। दिला भैया जी। हाँ थोड़ा थोड़ा। मेरे को पता ही था। आपको पता है मेरी बीवी के बेलन खाने के बाद ना मैं इसी से शिकायत करता हूँ, तो रोज रोज चोट खाने की क्षमता किसकी रह जाती है। आ जाओ ठीक। अरे छोटे लाल, मैं तंग आ गया हूँ यार, शिकायत से। अरे नहीं यार, गुप्ता जी से। अरे भैया जी, मैंने माना कि शिकायत करने वाला बैग थोड़ा सा बदसूरत है, लेकिन हर बदसूरत चीज गुप्ता जी थोड़ी होती है। छोटे लाल, मैं दूसरी नौकरी ढूंढने के बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ इस शिकायत से तंग आके। अरे शिकायत छोटे लाल, अरे नहीं यार, गुप्ता जी से तंग आके। तब ठीक है भैया जी, समोसे खाते ठंडे हो रहे हैं। अरे 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 छोटे लाल, ये किस खुशी में लाए हो? खुशी में नहीं लाए हो, न्यूज़पेपर में लाए हो, वो भी अंग्रेजी। देखो, अरे मेरा मतलब है कि इतने खुश क्यों हो तुम? खुश तो आपको भी होना चाहिए भैया जी। क्यों? लेकिन आपको ना बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट? अरे भैया अनुभवी एक्सपीरियंस छोटे लाल, एक्सपीरियंस। अरे भैया जी वही एक्सपीरियंस। अरे आप खुद सोचो, गुप्ता जी की भतीजी से आपकी सगाई छूट गई नहीं छूट गई? अरे सगाई ना होने की खुशी कितनी होती है, कोई मुझ जैसे शादी से मरते पूछे। आप इस खुशी में समोसा खा लो बस अब तो। अरे नहीं नहीं छोटे लाल यार, अभी अभी माँ के हाथ का खाना खाया, अरे पेट के पार्लियामेंट का पक्ष विपक्ष दोनों फुल है, अभी समोसे खाने की बात ना करो। भैया जी तो फिर इन निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक कुर्सी तो नहीं देते यार। अरे नहीं नहीं छोटे लाल, अरे पार्लियामेंट में बवाल हो जाएगा, कुर्सियां चल जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा। छोटे लाल समोसे खाने के बारे में ना कहो। सुनो उसका भी उपाय मेरे पास, ये लो दवाई लाया हूँ, ये खा लो, जल्दी पकड़ो पकड़ो, ये खाओ और अब समोसा खाओ, मुँह खोलो, समोसा खाओ, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो। छोटे लाल एक मिनट पेपर देना। पेपर खाओगे क्या? अरे नहीं छोटे लाल, पेपर दो ना मुझे। अरे अरे भैया जी, ऐसा क्या देख लिया इस पेपर में कि आपकी आके गुप्ता जी की तोंद की तरह बाहर आ गई? इसमें लिखा है सेल्स मैनेजर वांटेड फॉर सेलिंग वेस्टर्न आउटफिट्स इन गल्फ कंट्री। भैया जी मेरे सामने ना अभी अंग्रेजी अंग्रेजी मत झाड़ा करो। सॉरी छोटे लाल, अरे इसमें लिखा है कि खाड़ी देशों में अंग्रेजी कपड़े बेचने वाली कंपनी में सेल्स मैनेजर की जरूरत है। अच्छा? हाँ छोटे लाल, और सेल्स मैनेजर की पोजीशन में तो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। ओ मतलब भैया जी ये नौकरी का इश्तेहार नहीं, आपकी तरक्की के मौकों की बौछार है। छोटे लाल और ये मौके को जाने देना बेकार है। हाँ भैया जी। Thank you.
अब बस इन लोगों का जवाब आ जाए छोटे लाल, तो मैं गुप्ता जी के चक्कर से बाहर निकलूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलो कोई नहीं छोटे लाल, अरे आधे दिन की छुट्टी बेकार तो नहीं गई। अब कल जाके देखना होगा दफ्तर की क्या हालत है उस ब्रिज मोहन की आंधी के बीतने के बाद। पता नहीं कहाँ से सर्दी और खांसी हो गई, हवा ठीक भी नहीं हो रही है। भाग्यवान शांत हो जाओ, मैं खांसी है। अब ये तुम्हारा पति, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू नहीं है जो तुम्हारे चिल्लाने से शांत हो जाए। गर्म पानी। अब बहू बेटा सही टाइम पे आई, गर्म पानी। बहू ये पानी गर्म है का? हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे सासू माँ, हमारे फिल्टर का है, हल्की सी आंच पे पानी गर्म किया और ले आए। अरे पर बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें। बहू बेटा जल्दी से गर्मा गर्म चाय ले आओ, वरना अगर तुम्हारी सास अगर आज ठीक नहीं हुई ना तो तुम्हारे बाद में हमारी बारी होगी। चाय मंगा रहे जी जी, अभी लाते अभी लाते। अरे अरे पिताजी, हम देखते हैं। क्या कर रहे हैं आप जी? हेलो, हाँ जी जी, ये मानव मोयरा का ही घर है। अच्छा 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 अच्छा। अरे बेटा अच्छा अच्छे का लच्छा बनाएगा या कुछ बताएगा, अभी क्या हो रहा है? ठीक है बता। का हुआ लल्ला? दुबई से किसी कपड़े कंपनी का फोन आया था। जरूर बहू ने ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि कहा है ना कि बरेली के सारे कपड़ा दुकान वाले जो हैं इसके मोल भाव से डर चुके हैं। सासुमा, दुबई से हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया सासुमा। अरे भाई तुम लोग ये बात करोगे कि उसको भी बोलने दोगे? बेटा तुम बोल, दुबई वाला क्या बोल रहा था? हमारे मानव ने दुबई की एक कंपनी में अर्जी दी थी नौकरी के लिए, उसके लिए परीक्षा भी दी थी, उसी का परिणाम आया है। लला दुबई कब गया था? हाय हाय गए भी थे, तू बताया कहीं नहीं, हम अपने लिए कुछ मंगवा लेते। हाँ लेकिन बेटा ये हुआ कब? कह रहे हैं कि कल ही की बात है। और हमें बताया भी नहीं। अरे वो सब छोड़िए मम्मी, मानव ने जो परीक्षा दी थी ना उसमें वो सफल हो गया है। बस अभी एक साक्षात्कार होगा फोन पर, और अगर वो भी सब ठीक हो गया तो मिल गई उसे दुबई में नौकरी। अब हमारा लल्ला हमसे दूर चला जाएगा रहने के लिए, और अगर कहीं वहां जाकर देवर जी ने अल्हबीबी पसंद कर ली तो क्या होगा? क्या किस्मत पाई हमारे मानव ने, सीधा इंटरनेशनल बहू रोहन के पापा। मानव ने ये सब अचानक? हम अभी उसे पीट के आए, मतलब पूछते हैं। अरे मम्मी मम्मी, लेकिन अभी तो वो दफ्तर में है। थोड़ा शांत हो जाओ, देखो मानव ने जो भी कुछ किया होगा वो सोच समझ के किया होगा ना। हम अभी उसे जाके समझाते हैं और उसकी सोच को सुधारते हैं। बहू हमारा बटवा तो ले आ, हम अभी के अभी मानव लल्ला के ऑफिस जा रहे हैं। हाँ अभी लाते हैं। अरे भगवान संभल के। हे भगवान, हम सोच रहे हैं कि अगर मानव बेटा सचमुच अल हबीबी बहू ले आया तो इन दोनों सास बहू का क्या होगा? हलचल हबीबी। लल्ला कहाँ गया? ये कुर्सी पर से जमीन पर आ गए, ऐसी हालत है? लल्ला ये क्या हो रहा है? आराम से सर, वरना फट जाएगा सर। तूने अंदर काहे बनाया अपना घर, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? अरे छोड़ो मम्मी, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा है चक्कर। अच्छा समझे हम,
अपनी बेटी के वजह से आपके भाई हमारे लल्ला के जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम मानव की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अच्छा, उसे सर्कस की नचनिया बना के? मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ सर, जो होगा ना सो होगा। जो का होगा लल्ला, अब तू दुबई जाके अच्छे बड़े ऑफिस में काम करेगा। मम्मी वो ये दुबई के बारे में आपको कैसे पता? अरे फोन आया था। दूसरी नौकरी बेटा मानव। मम्मी अब दूसरी बातें घर चलकर करते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन हमने अपना फैसला सुना दिया है। अब तू इस सड़े ऑफिस में साड़ी पहनकर दर दर के काम नहीं करेगा लल्ला, अब तू दुबई जाके बड़े ऑफिस में काम करेगा। कह देते हैं हम जा रहे हैं। हाँ सर, वो आपको ऐसे पता चला, आप नाराज? नाराज होने वाली बात तो है मानव, हम तुम्हें इसके लिए सस्पेंड कर सकते हैं, तुम्हारा एक महीने का वेतन काट सकते हैं, तुम्हें तुम्हें फायर कर सकते हैं। अरे इससे मेरा स्कोर खराब हो जाएगा सर। मानव तुम्हारा स्कोर तो खराब होना ही चाहिए। अगर तुम दुबई जा रहे थे तो पहले नहीं बता सकते थे? अरे हम तुम्हें सामान की लिस्ट दे देते। अरे हमें वहां से कितना कुछ मंगवाना है भाई, नया लैपटॉप, नया फोन, नया कैमरा और अपनी बीवी के लिए मेकअप का सामान बहुत सस्ता मिलता है वहाँ। इसका मतलब सर आप मेरे नौकरी छोड़ने से नाराज नहीं है? गुस्सा हुए हैं ना, नाराज हुए हैं। अरे भाई क्यों होंगे, तुम्हारा ये डिसीजन बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन तुम हमारे बताए हुए सामान को लेकर अगर वहाँ से नहीं आए तो जरूर गुस्सा होंगे तुम। हाँ सर, और हम भी। हाँ मैं भी आपको सुबह सुबह लिस्ट पहुँचा दूंगा सर। गांव बसाने के लुटेरे पहले ही आ गए। कुछ कहा मानव? हाँ कहा ना सर, वो क्या है ना कि वो इंटरव्यू देना है ना सर फोन पर, तो उसकी थोड़ी तैयारी भी करनी है ना सर, तो मैं घर जाऊँ। जाओ 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 बेटा जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। सर थैंक यू सर, गुड डे गुड 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 सर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे छोटे लाल अपना मुंह ढक, देख नहीं रहा है तेरे भैया जी को डर लग रहा है? अरे मैं तो आज ही ना आया हूँ, अब भी डरावना लग रही हूँ क्या? अरे भैया छोटे लाल से नहीं, इन किताबों से। अरे इनसे तो हमें बचपन से डर लगता है। अरे इतनी सारी बुक्स पढ़ के मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करूंगा? अरे तो बेटा चिंता मत करना, हम है ना भाई, हमने पिछले 40 साल में अखबार के कोने कोने छान मारे हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान, हम तेरी मदद करेंगे। अरे लकड़ी चुकर कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे पहेलियां बुझाने में तो पूरे बरेली में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था, तो तेरे सारे पहेलियों वाले जो सवाल है ना वो हम संभाल लें। भैया जी सब समझते मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन सामान्य ज्ञान ना बहुत ही तेज है मेरा। कौन सा मोहल्ले का लौटा, कौन सी लड़की घर के चक्कर काटता है, और कौन सी हीरोइन का कौन से हीरो के साथ टाका भिड़ा हुआ है, और कौन से सीरियल में बहू नागिन और सास चुड़ैल बनी हुई, सब पता है मेरे को। अपने सामान्य ज्ञान से मदद करूंगा मैं आपकी, चिंता मत करियो। हाँ अरे लगता है टेंशन के मारे मेरे पेट में गुड़ 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 हो रही है, मैं काम करता हूँ, जरा शांत करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, हिला मत, क्यों? कभी भी फोन आ सकता है भैया जी। अरे छोटे लाल पर इमरजेंसी है। अरे पर वो भी तो दुबई की एजेंसी है। अरे भैया पर जाना सेहत के लिए जरूरी है। अरे बेटा अगर साक्षात्कार के बिना तेरी तैयारी अधूरी है। अरे पिताजी पर जाना मजबूरी है, समझिए ना। अरे नहीं जा सकते बोला ना, अगर आज आप यहाँ से गए ना तो आपको इस छोटे लाल की लाश में से गुजरना होगा। कब से आया भैया? हेलो, यस 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 यस, मानव मोहरा स्पीकिंग। अरे रे Thank you.
थैंक यू। लगता है मैंने बाजी मार ली। भैया आराम से प्रेशर आ रहा है, इतनी जोर से शाबाशी देंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। मैं जरा होके आऊं। अरे नहीं रुक जा। अरे नहीं जा जा। अरे भगवान, अब मानो के दफ्तर जाने की क्या जरूरत थी इस बीमारी में? अरे वो तो हम 2-3 दिन पहले गए थे और बीमारी में नहीं, हम रिक्शा से गए थे। तुम हमेशा अपने चलाती हो? रिक्शा तो रिक्शा वाला चला रहा था। अरे भाई हम मर्जी की बात कर रहे हैं। आप भी तो हमेशा आपकी मर्जी की चलाते हैं। हाँ है सासू माँ, ससुर जी हमेशा आपकी मर्जी की ही बात तो करते हैं। बिल्कुल ठीक का। सासू माँ दूध दूध। वो सब छोड़ो बहू, जरा पाँव दबाओ। जी सासू माँ। लल्ला के फोन के इंटरव्यू देके 3 दिन हो गए, कोई परिणाम नहीं आया। इंतजार में हमारी तबीयत और खराब हो गई। अरे पम्मो रानी सुनती हो? हाय रोहन और परी के पापा, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। बैठे आपके पैर दबा रहे। अरे मम्मी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा ये चिट्ठी किसकी? ये मानव की चिट्ठी है। लल्ला की चिट्ठी, जरा इसे खोल के पढ़िए तो। देखा कितनी फुर्ती आ गई। देखा अरे जरा आराम से पढ़िए तो। भाग्यवान भाग्यवान हमारी बात तो सुनो। ऐसे किसी की चिट्ठी खोल के पढ़ना अच्छी बात नहीं है। पढ़िए तो, देखिए पढ़िए। अरे छोड़ो भगवान। हाय फट गई। हाय सासू माँ अब फट गई है तो पढ़ ही लेते, देखिए कहाँ है चिट्ठी में। बेटा ये सास बहू की जोड़ी पूरे बरेली की सबसे खतरनाक जोड़ी है। वो तो बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। सासू माँ ये तो मुंबई का टिकट है हवाई जहाज का। देवर जी को मुंबई जाना है, वो भी तीसरे चरण की परीक्षा के लिए। लाना लाना जरा। हाँ देखो 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 कहाँ है। अरे और तो और इन लोगों ने मुंबई में मानव को 5 सितारा होटल में ठहराने की व्यवस्था भी की है। 5 सितारा होटल, देखा क्या इज्जत हमारे लल्ला की है। भाई भगवान अब तो उसे जाने दो। जाने दो पिताजी। चलता हूँ मम्मी, अब चलता हूँ, देर हो रही है मम्मी। चलो भैया जल्दी जल्दी जल्दी। लल्ला। हाँ मम्मी। लल्ला पहले ये रख ले, ये सब भगवान मिलके तेरी रक्षा करेंगे। हाय हाय देवर जी, आपके रस्ते के लिए खाने का डब्बा बांध दिया है। अरे नहीं नहीं भाभी, वो मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ ना, तो ये सब लेकर नहीं जा सकता। हाँ अरे लल्ला, रास्ते में फ्लाइट रुक गई और खाना नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा? अरे फ्लाइट ऐसे नहीं रुकती मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे हम कह रहे हैं ना, चुपचाप रख ले। अरे देवर जी। बेटा बेटा बेटा, ये रख घड़ी। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। पिताजी इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पुरानी घड़ी है मेरी। अरे भाई वो पुरानी निकालो, ये नहीं पहनो। अरे निकालो, अरे निकालो। शाबाश, ये पहनो। थैंक यू पिताजी। अभी चलता हूँ पिताजी, मम्मी बाय बाय। सासू माँ का शरीर बुखार से तप रहा है। बेटा तुम ठंडे पानी के पत्ते बनाओ, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर को मत बुलाओ, हम ठीक हैं। अरे तुम चुप रहो जी, इतना बुखार है तुमको, अपनी तबीयत का ध्यान रखती नहीं हो। अगर मानव लल्ला ये सब देखता तो चैन से जा पाता।